पुलिस ही जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता किसके भरोसे सुरक्षित रह सकती है। गुंडों के हौसले इतने बुलंद हैं कि थाने में घुसकर पुलिस वालों को गालियां दी और उनके साथ मारपीट की। मामला मध्य प्रदेश छतरपुर जिले का है, जहां कुछ लोगों ने थाने में घुसकर पुलिस के साथ मारपीट कर दी। पहले ये लोग राजनगर थाने में घुसे, फिर हेड कांस्टेबल आसाराम भारती के साथ झूमाझटकी की और गाली गलौज कर गाल पर थप्पड़ मारकर सरकारी दस्तावेज फाड़कर चले गए। उधर थाना प्रभारी अभिलाष मलावी ने हेड कांस्टेबल आसाराम की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। तुरंत ही आरोपी स्वामी दीन अहिरवार और उनके चार बेटों सहित एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार पास ही के गांव जमुनिया के रहने वाले छह लोग मनमर्जी की रिपोर्ट लिखवाने आए थे और हेड कांस्टेबल आसाराम भारती ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, तो लोग गुंडागर्दी पर उतारू हो गए और गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दस्तावेज फाड़कर भाग गए। उधर सूचना मिलने पर थाने पहुंचे थाना प्रभारी अभिलाष मालवी ने हेड कांस्टेबल आसाराम भारती का स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराते हुए शिकायती आवेदन के आधार पर छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सुबह से ही ग्राम जमुनिया से हमें सूचना मिल रही थी कि चार से पांच लोग डंडे लेकर घूम रहे हैं। एक फरियादी है जो हमें लगातार फोन कर रहा था, हमने गाड़ी भेजी और वो लोग मिले भी, तो हमने उस समय उनको समझा दिया कि थाने आओ, क्या बात है बताओ। थाने जब वो आए, थाने आकर मुंशी के साथ उन्होंने अभद्रता की, कागज फाड़ दिया और हाथापाई भी होता रहा। हम जमुनिया से आए थे पांच छह लोग, उनके साथ में दो औरतें भी थी, तो आकर के बोले सभी लोग गाली बुरी बुरी देने लगे और मुझे कुर्सी से धकेल दिया और नीचे गिर गया, थप्पड़ मार दिए। जो बगल में वो थे नीतू गर्ग थी, महिला रक्षक, और मददगार राजभागो, तो उनने फिर बीच बचाव किया, जिनका जब्ती किया तो उनको भी मारपीट कर दिया हमने। बोले हम सारे तुमको जान से मार डालेंगे, हमारे कहे अनुसार रिपोर्ट देखो। ये मामला आई थी किस चीज़ की रिपोर्ट थी? शीतल तिवारी से थी। कितने लोग थे ये? ये थे सात आठ लोग थे, दो महिलाएं थी, महिलाएं बाहर खड़ी थी। ये पांच छह लोग आए अंदर से मेरे एचसीएम रूम में, मुझे बदतमीजी से गाली गलौज करने लगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।